नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारा प्रकरण चल रहा था कारक प्रकरण, जिसमें मैंने आपको कल बताया था विभक्ति, कारक, चिन्ह। तो इनका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन सी विभक्ति चल रही थी हमारी? द्वितीय विभक्ति का हम अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। जिसका कौन सा सूत्र चल रहा था? आपका सूत्र चल रहा था यानी ए तथा युक्तम अनित्यतम। कौन सा सूत्र चल रहा था? तथा युक्तम अनित्यतम। इसमें आपने एक उदाहरण पढ़ा था कि जो इप्सित है और अनिश्चित है। जैसे उदाहरण क्या पढ़ा था? दिनेश विद्यालय गच्छन बालकम पश्यति। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा था हमने कि निम्नलिखित शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। तो पहला शब्द कौन सा लिखा था? अभी तय उभयते, यानी जो जो शब्द आते जाएंगे उन शब्दों के योग में क्या होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। उसके बाद दूसरा शब्द आता है आपका परितः और सर्वतः, जिसका अर्थ क्या होता है? चारों ओर, ठीक है। अब इससे उदाहरण जो भी आएगा, जैसे ग्रामम परितः या सर्वतः, क्षेत्राणि संति, ये वाला उदाहरण आया। तो उदाहरण किस प्रकार आएगा? ऐसे रेखांकित होगा, ठीक है। तो क्या हमको क्या करना है कि ग्रामम में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति। किनके योग में? यदि परितः आए, एक शब्द आएगा, इन दोनों में ध्यान रखना, दोनों शब्द नहीं आएंगे। किसके योग में आ जाएगा? परितः योगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उससे अगला शब्द देखते हैं हम, समया और निक्षा। उन दोनों का क्या होगा? पास में या समीप में, ठीक है। दोनों का क्या हो जाएगा? पास में या समीप में। उदाहरण हो जाएगा विद्यालयम निक्षा देवालय अस्ति। क्या जाएगा? रेखांकित किसको करेगा? वो जो विभक्ति चल रही है। लेकिन लेकिन आप लोगों को ये पता लगाना है कि विभक्ति कौन सी है। भाई उसको तो पता है विभक्ति कौन सी, मुझे पता है विभक्ति कौन सी है, लेकिन यदि आपको कारकों का ज्ञान नहीं है तो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि विभक्ति आपकी कौन सी है, ठीक है। तो विभक्ति कौन सी है? द्वितीय। किसके योग में? निक्षा के योग में या फिर समया के योग में। अगला शब्द देखते हैं हम। अगला शब्द है अंतरेण या बिना। दोनों का क्या होता है? बिना। इन दोनों का क्या हो जाएगा? बिना। तो क्या हो जाएगा? प्रदीप पुस्तकेन उपस्तकम बिना पठती, या फिर अंतरेण प्रदीप पुस्तकम बिना या अंतरेण पठती। तो रेखांकित किसको करेगा? वो पुस्तकम को। आपको क्या लिखना है? द्वितीय व्यक्ति किस योग में? अंतरा या बिना के योग में, यानी जो भी शब्द आए उस शब्द के योग में क्या आ जाएगी? द्वितीय व्यक्ति आ जाएगी। इससे अगला शब्द होता है आपका अंतरा। इसका अर्थ क्या होगा? बीच में। इनका आपको अर्थ और याद होना चाहिए, यानी जो शब्द आपको लिखाए जा रहे हैं उन शब्दों का क्या है, आपको अर्थ भी याद होना चाहिए। जैसे रामम श्यामम से अंतरा देवदत्त अस्ति। रामम श्यामम से अंतरा देवदत्त अस्ति। राम और श्याम के बीच में कौन है? देवदत्त है। रेखांकित किसको करेगा? वो इस प्रकार से करेगा। विभक्ति कौन सी लगाएंगे अपन? द्वितीय। किस योग में? अंतरा योग में, ठीक है। किस योग में जाएगी? अंतरा योग में। अगला शब्द है धिक। धिक यानी धिक्कार, वही आ जाएगा। इसका तो बहुत ही सरल है, दुर्जनम
निरेखांकित हो गया। किसके योग में? देख योग में द्वितीय विभक्ति, यानी जो शब्द आए उस शब्द के योग में वही विभक्ति होगी जो विभक्ति अब चल रही है। जैसे उससे अगला शब्द है हा माने हाय, क्या है हाय, यहां पर भी क्या आ जाएगा हा दुर्जनम, क्या आ जाएगा हा दुर्जनम। ऐसे ही शब्दों के योग में जो भी शब्द आते जाएंगे, जैसे अगला शब्द है प्रति ग्रामम, सॉरी राम ग्रामम प्रति गच्छति, राम गांव की ओर जाता है। ग्रामम में कौन सी व्यक्ति लग जाएगी? द्वितीया। उसके बाद अगला शब्द है अनु, अनु यानी पीछे, ठीक है, क्या आ जाएगा राज पुरुष चौरम अनुधावति, राज पुरुष चौरम अनुधावति, राज पुरुष चोर के पीछे दौड़ता है। किस योग में? अनु शब्द के योग में। किस योग में आ जाएगी? अनु शब्द के योग में। उससे अगला शब्द है यावत, यावत का क्या होता है तक, गणेश वनम यावत गच्छति, जिसमें गणेश वन तक जाता है। इसके अगला शब्द क्या होगा? अधो अध, संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा अधः प्लस अधः, अर्थ क्या होगा नीचे नीचे। शब्दों का अर्थ भी आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे भूमि अधो अधः क्या जलम अस्ति, भूमि अधो अधः जलम अस्ति, रेखांकित किसको करेगा? वो भूमि को क्या कर देगा? रेखांकित कर देगा। किसके योग में? अधो अधः योग है। विभक्ति कौन सी आ जाएगी आपकी? द्वितीय विभक्ति आ जाएगी। अगला शब्द है अद्यधि, संधि हो जाएगी यहां पर यण अधि प्लस अधि, इसका अर्थ हो जाएगा आपका अंदर अंदर, क्या हो जाएगा अंदर अंदर। उदाहरण क्या लिखते हैं अपन? लोकम अद्यधि किम किमस्ति हरि ही अस्ति, लोकम अद्यधि हरि ही अस्ति, ठीक है। उसके बाद इसका अंतिम शब्द हो जाएगा उपरी उपरी, संधि विच्छेद करते हैं तो उपरी प्लस उपरी, संधि विच्छेद नहीं आएगा वहां पर, ध्यान रखना। आपको क्या लिखना है? मूल शब्द लिखना है जो इसका कारण है। ऊपर ऊपर हो जाएगा अर्थ, क्या हो जाएगा ऊपर ऊपर, लोकम उपरी उपरी। उदाहरण देखते हैं, लोकम उपरी उपरी सूर्य अस्ति, लोकम उपरी उपरी सूर्यम अस्ति, लोकम को रेखांकित कर देगा वो, ठीक है। तो आपको क्या करना है? लोकम किसमें विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। किसके योग में? उपरी उपरी, इस शब्द के योग में। अब अगला इसका सूत्र आता है तीसरा, अधि सिंह स्था साम कर्म, क्या आ जाएगा अगला सूत्र? अधि सिंह स्था साम कर्म, यानी अधि उपसर्ग पूर्वक, किसमें? सिंह यानी सोना, था समाने ठहरना या बैठना भी आता है। इन शब्दों के योग में यानी इन धातुओं के योग में और आस, एक शब्द और रहना है आस, आस माने क्या होता है? बैठना। इन शब्दों के योग में क्या होती है आपकी? द्वितीय विभक्ति होती है। किस कब होगी द्वितीय विभक्ति? जब क्या लगेगा? अधि उपसर्ग लगेगा। जैसे
अधिशेते, अधिशेते माने सोता है। दूसरा है अधि तिष्ठति, अर्थ क्या हो जाएगा, बैठता है। इसके अगला अध्यास्ते, इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा, बैठता है, या अधिशेषति का ठहरता भी होता है, ध्यान रखना। तो इसका उदाहरण लेते हैं, सुरेश सयाम क्या आएगा, अधिशेते। किसको रेखांकित करेगा, सयाम को रेखांकित करेगा, विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय किस योग में, अधि उपसर्ग योग। अधितिष्ठति का देखते हैं अगला उदाहरण, अधितिष्ठति का जो उदाहरण होगा, अध्यापक आसंदिक अधितिष्ठति, ऐसे ही किसको कर देगा, आसंदिक को रेखांकित कर देगा। अंतिम है इसका नृप सिंहासनम क्या, अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है और सिंहासन को वो क्या कर देगा, रेखांकित कर देगा। ठीक है, तो इन शब्दों के योग में क्या हो जाएगा, आपकी कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। और ये कौन सा सूत्र है आपका, तीसरा सूत्र है। अब यदि हम चौथे सूत्र की बात करें तो चौथा सूत्र आता है उपान वन्यांग वसह, उपान वन्यांग, सॉरी वसह नहीं है वो वास है, ठीक है, क्या है, उपान वन्यांग वासह। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उप अधि और आंग यानी आवसर, ठीक है। इनका किसकी रूप योग में, वस धातु के योग में, ये उपसर्ग क्या है, यदि इन ये तीन उपसर्ग किसके योग में, यदि वस धातु के योग में आते हैं तो इनका क्या होता है, वस धातु के जो आधार होगा उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण देते हैं, उपवसति, क्या अर्थ हो जाएगा, पास में रहता है, ठीक है। दूसरा जो होगा अनुवसति, अनु यानी पीछे, क्या रह जाएगा, पीछे रहता है। अगला अधिवसति, अधिवस्ति यानी मैं रहता है। तो तीनों का अर्थ क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और एक अंतिम है इसका आवस्ति यानी सिर्फ रहता है, ठीक है। तो इन तीनों के क्या अलग अलग उदाहरण हो जाएंगे, जैसे पहले का श्याम नगरम उपवस्ति, श्याम क्या करता है, नगर के पास में रहता है। कुलदीप गृहम अनुवसति, तो आप लोगों को क्या करना है, इन सब के क्या है उदाहरण आपको देखने हैं यानी याद करने हैं, तो ही आप इसको समझ पाएंगे, अन्यथा आपके समझ में ये नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप उदाहरण देख सकते हो इनके। अगले सूत्र की यदि हम बात करें तो अगला सूत्र आता है इसका अभिनिविशश्च, अभिनिविशश्च क्या जाएगा, अभिनिविशश्च यानी इसका मतलब क्या है, विष धातु के योग में, किसमें, विष धातु के योग में क्या हो, अभि और नी, क्या हो, अभी और नी उपसर्ग, ये दो उपसर्ग यदि लगे तो इनकी क्या होती है, धातु के आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे
अभी नी विषते, ये है क्या हो जाएगा, प्रवेश करता है। अर्थ बनाते हैं दिनेश ग्रामम अभी नी विषते, दिनेश गांव में प्रवेश करता है। क्या करता है, दिनेश गांव में प्रवेश करता है। तो ये हो जाएगा चतुर्थ। अगले यदि बात करें, अब देखिए अगला आता है आपका द्विकर्मक वाला सूत्र, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या होगा, अकथितम से, सूत्र क्या है, अकथितम से, सूत्र तो ये है, लेकिन इसके अर्थ की यदि हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो द्विकर्मक धातु है आपकी, कितनी धातु है आपकी द्विकर्मक, 16 धातु है, उन 16 धातुओं के योग में क्या होती है, एकत्रितम से जो सूत्र है, 16 धातुओं के योग में क्या लगेगी आपकी, द्वितीय व्यक्ति लगेगी। जैसे पहला आता है दुहु, दुहु यानी दुहना। उदाहरण की बात करें, गोपाल है गाम दुग्धम दोगी, द्विकर्म है यानी प्रथम जो कर्म हो जाएगा, जैसे ये शब्द है गांव, ये रेखांकित होकर आएगा, क्या लगेगी आपका, उदाहरण क्या लगाना है कि द्विकर्म दुहु धातु योगे किमस्ती द्वितीय व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति, क्या कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है आपको द्वितीय व्यक्ति दुहु योगे, दुहु धातु योगे, किस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा यास, यास यानी मांगना। क्या हो जाएगा उदाहरण, सुरेश महेशम पुस्तकम याचते, सुरेश है महेशम पुस्तकम याचते, सुरेश महेश से पुस्तक मांगता है, सुरेश महेश से क्या मांगता है, पुस्तक मांगता है। अगला शब्द है पच, पच यानी पकाना, पाचक ये इसमें हो जाएगा, तंडुलान ओदनम पचती, पाचक है तंडुलान ओदनम पचती, विकर्मक धातु है क्या, पच, किसके योग में क्या जाएगा, पच योग में, प्रक्ष यानी पूछना, प्रक्ष यानी पूछना, से माणवकम पंथानम प्रक्षति, माणवकम यानी राहगीर से, किससे, राहगीर से माने वह माणवकम सॉरी बालक से, वह बालक से क्या पूछता है, पंथानम यानी मार्ग रास्ता पूछता है। तो ये उदाहरणों के जो ये उदाहरण दिखाए जा रहे हैं आपको, इनका आपको अर्थ भी आना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो आपको हिंदी अनुवाद दे, हिंदी का एक वाक्य दे दे और उसका क्या करने लग जाए, संस्कृत अनुवाद कराने लग जाए, तो इसमें क्या है आपके लिए बहुत अधिक फायदा रहेगा। अगला शब्द है इसका दंड यानी दंड देना, राजा गर्गान सतम दंडयति, राजा गर्गों पर क्या है, 100 रुपए का दंड देता है, राजा गर्गान सतम दंडयति, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपकी क्या है, कोई कितनी धातु हुई है, 1, 2, 3, 4 और 5, कितनी धातु और बचनी आपकी, 11 धातु अभी शेष हैं, जिनका अध्ययन हम कल कराएंगे। तब तक के लिए आप क्लास लेते रहें, धन्यवाद।